हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 जो कि है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसके अंदर अपन मेनली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, किस किस पार्ट्स में कौन कौन सी चीज़ों का डाइजेशन होता है, कैसे होता है, क्या बोलते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, वो सब पढ़ने वाले हैं, है ना। तो क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग होती है अपनी डोरेमोन से। मेरा तो फेवरेट है, आपका पता नहीं, है ना। तो देखो, खाना है, जो फूड है अपना, वो अपनी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो फूड के मेजर कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। मतलब जो मेनली अपन जो रोज अपना डेली की डाइट होती है, जो अपना रोज का खाना होता है, उसके अंदर जो मेनली कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, है ना। और जो मिनरल और विटामिन है ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं। मतलब मिनरल और विटामिन भी अपने खाने में होते हैं, बट वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होते हैं। जो मेजर कंपोनेंट है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपना की जो फूड होता है वो अपने को एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है? अपनी ग्रोथ के लिए करता है। अपने जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनके रिपेयरमेंट के लिए प्रोवाइड करता है। मतलब जो फूड है वो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, और क्या प्रोवाइड करेगा? वो ऑर्गेनिक मैटर करता है, कि किसी भी चीज़ के रिपेयरमेंट के लिए अपने को ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है। जैसे अपने घर पे दीवार है तो वो इनऑर्गेनिक मैटर से बनी है, अगर वो डैमेज हो जाती है तो अपने को इनऑर्गेनिक मैटर की जरूरत होती है। वैसे ही अपनी बॉडी के अंदर कुछ टिश्यू डैमेज होता है या फिर अपनी ग्रोथ होती है, तो उसके अंदर अपने को ऑर्गेनिक मैटर की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो सब चीज़ें कहाँ से आती है? फूड से आती है, ठीक है। जो नेक्स्ट है अपना वाटर। देखो, खाना जरूरी है, वैसे पानी जरूरी है, है ना। बोथ आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, है ना। जो पानी है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है फूड है, उसके डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में, इन सब चीज़ों में पानी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। प्लस जो वाटर होता है वो अपनी बॉडी की डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। अब तो जैसे कि गर्मी आ गई, तो अगर अपन कुछ वक्त के लिए भी पानी नहीं पीते तो अपन बहुत डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। इनफैक्ट अपन अच्छे से बात भी नहीं कर पाते, क्योंकि अपना गला सूख जाता है, है ना। तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जो वाटर है वो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है, और इसका मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर एक्टिविटीज में भी बहुत रोल होता है ना। फिर अपन पढ़ने वाले हैं, देखो जैसे कि डाइजेशन है तो उसका क्या मैकेनिज्म है ना। डाइजेशन है वो क्या, जैसे कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं अपने बॉडी के अंदर, जो अपने खाना खाया वो क्या थे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अपन ने चबा लिया उसको, फिर वो चबा के कुछ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, वो टूट गए। किस में कन्वर्ट हो गए? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। समझ लो कि अपन ने कुछ खाया स्टार्च का, जिसमें था प्रेजेंस, तो वो स्टार्च था। स्टार्च क्या है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। तो अब क्या होगा, अपनी बॉडी इसको डायरेक्ट तो ऑब्जॉर्व कर नहीं पाएगी, तो क्या होगा, जो स्टार्च होगा वो टूटेगा। किसमें? सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा, है ना। तो जैसे जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो जब सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इस जो ये प्रोसेस होती है, इस कन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं डाइजेशन, है ना। और ये डाइजेशन होता कैसे है? मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड के थ्रू होता है। मतलब जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, उसमें टूट गए। और ये जो टूटने की प्रोसेस है इसको बोलते हैं डाइजेशन। और ये डाइजेशन होता कैसे है? मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स के थ्रू होता है, ठीक है। फिर अपन पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? एलिमेंट्री कैनाल आती है, ये जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है ये आती है, और इसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स आती हैं, कि उसके साथ कौन कौन सी ग्लैंड्स जुड़ी हुई होती हैं, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड का मूवमेंट होता है, और ग्लैंड्स जो पर्टिकुलरली अपने जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट कराने में बहुत हेल्प करती है ना। देखो, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं अपन। एलिमेंट्री कैनाल बिगिन होती है अपनी एंटीरियर ओपनिंग माउथ से, मुंह से ओपनिंग होती है। जो अपना ये माउथ है ये क्या है, ओपनिंग है, इसको अपन बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी भी बोल देते हैं। जो माउथ है इससे अपनी ओपनिंग होती है, किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की। और जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी एंडिंग होती है किसके थ्रू? एनस के थ्रू। ओके, तो जो माउथ है वो क्या है? ओरल कैविटी है, इसको अपन बक्कल कैविटी भी बोल देते हैं। जो माउथ है, ओरल कैविटी है, इसके अंदर क्या क्या होता है? टीथ होते हैं और मस्कुलर टंग होती है। टीथ प्रेजेंट होते हैं, प्लस टंग प्रेजेंट होती है, दांत चबाने के काम करते हैं। और टंग क्या करती है? उसको मैस्टिकेशन में, उस खाने को मिलाने में, सलाइवा के थ्रू मिक्सिंग के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। तो जो अपनी टीथ होते हैं, अपन उसको पढ़ते हैं, जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं कि बोनी होते हैं, और ये किस में एम्बेडेड होते हैं? बोनी स्ट्रक्चर में एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि ये डायग्राम देखिए, इसके अंदर अपने माउथ है, ओरल कैविटी दिखा रखी है, इसमें टंग है ये, और ये अपने टीथ है जो व्हाइट व्हाइट देखते हैं, है ना। तो इसके अंदर टीथ पर्टिकुलरली चार टाइप के होते हैं, ये अपन अभी पढ़ेंगे। और ये अपने टीथ हैं, टीथ क्या होते हैं? बोनी स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो बोनी स्ट्रक्चर हैं ये किस में एम्बेडेड होती है? ये बोनी
उसके अंदर सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होती है, ठीक है, जो बोनी सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, थिकोडोंट बोला जाता है। मतलब अपना जो डेंटिशियन है वो कैसा है, थिकोडोंट है। वो थिकोडोंट कैसे है, क्योंकि जो अपने दांत है वो बोनी सॉकेट के अंदर क्या है, एम्बेडेड है। और जो अपने दांत होते हैं मेजोरिटी ऑफ मेमल्स में, मतलब अपन मेमल्स में आते हैं, और मेजोरिटी ऑफ मेमल्स के अंदर क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। दो तरह की कैसे, कि दो टाइप की टीथ होते हैं, नहीं, लाइफ में दो फेजेस के अंदर आते हैं वो। पहले आते हैं प्राइमरी टीथ, जिनको अपन डेसिडियस टीथ भी बोल देते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके दांत टूट जाते हैं, आपने देखा होगा है ना, कि वो अपने दांत टूट जाते हैं, तो उनके दांत क्या है, ऐसे टूट ना होते कि वो बुखली हो जाते हैं, कि उनके दांत नहीं आते, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो दांत टूट जाते हैं बच्चों के, वो वापस आ जाते हैं, और वो किसके थ्रू रिप्लेस हो जाते हैं, परमानेंट और अडल्ट टीथ ना। मतलब जो पहले अपन छोटे थे, 9-10 साल के एज तक थे अपन, तो अपने जो टीथ थे वो कैसे थे, प्राइमरी और डेसिडियस टीथ थे। फिर वो टूट गए, फिर जो नए दांत आए वो कौन से होते हैं, परमानेंट और अडल्ट टीथ होते हैं। अगर ये टूट गए तो ये वापस नहीं आएगा, ठीक है। और इसीलिए अपने डेंटिशन को क्या बोला जाता है, डायोफाइडोन डेंटिशन। मतलब अपनी वो सॉकेट का जो बोनी सॉकेट है उसके अंदर एम्बेडेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है थिकोडोंट डेंटिशन। और ये जो अपनी लाइफ में दो फेजेस के अंदर आते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डायोफाइडोन डेंटिशन। अब क्या होता है, अपनी जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर, मीन्स जो कि पर्टिकुलरली कोई एज नहीं बोल सकते अपन। बहुत से लोग होते हैं जो कि काफी बड़े एज में होते हैं, बट उनके पूरे 32 दांत नहीं होते हैं ना, ऐसे बोला जाता है ना, 32 की मत दिखाओ, मतलब अपने 32 दांत मत दिखाओ, है ना। तो अपने अंदर क्या होते हैं, 32 दांत होते हैं, 32 टीथ होते हैं अपने अंदर, है ना। और ये क्या होते हैं, चार डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब 32 के भी चार टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, है ना। देखो अब डेंटल फॉर्मूला पढ़ते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या है, मतलब जो इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स हैं, ये चारों अपने अपर जो और लोअर जो के अंदर कैसे एम्बेडेड होते हैं, कितने नंबर में होते हैं, और क्या सीक्वेंस होता है, वही क्या हो गया अपना डेंटल फॉर्मूला हो गया। एक अडल्ट ह्यूमन में जिसके अंदर पूरे 32 दांत हैं, उसका अडल्ट फॉर्मूला होता है 2-1-2-3, ये अपर जाके लेफ्ट या फिर राइट साइड किसी भी एक साइड को रिप्रेजेंट करता है, और ये लोअर जाके 2-1-2-3 हो गया, है ना। मतलब अपने अंदर ऐसे है, ये रहा एक अडल्ट ह्यूमन का माउथ, समझ लो आप, यहाँ पर भी 2-1-2-3 हो गया, और यहाँ पर भी 2-1-2-3 हो गया, ऐसे ही नीचे वाले लोअर जॉ के अंदर हो जाएगा, है ना। एक जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, जिसके दांत टूट के वापस आते हैं, उसके आप दांत देखना, है ना, उसके ऊपर आपको 6 दांत ही दिखेंगे, उस 6 दांतों के बाद उसके बीच वाले 2 दांत मिसिंग होंगे, और फिर आपको उसके 2 दांत ही दिखेंगे, है ना। मीन्स जो उसके मोलर्स होते हैं उसके अंदर वो 2 ही मोलर होते हैं, और जो प्री मोलर होता है बच्चे के अंदर, प्री मोलर क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं, है ना। तो जो चाइल्ड होता है, जो किड होता है, अप्रोक्सीमेटली 9-10 साल का जो बच्चा होता है, 9-10 साल के बच्चे तक कितने दांत होते हैं उसके पास, ऊपर अपर जा और लोअर जाके अंदर 10-10 दांत होते हैं, मतलब उसके पास टोटल कितने हो गए, 20 दांत ही हो गए, ओके। वो है 2-1-0-2 डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अपन नेक्स्ट पार्ट जो ये है अपना टीथ का, वो क्या है कि जो अपना टीथ है वो क्या, मैंने बताया था, बोनी होता है। बोनी कैसे हुआ, ये जो अपना टीथ है वो क्या है, बोनी सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है। ये जिस पार्ट से बन, जिस चीज से जो अपना टीथ बना हुआ होता है, वो चीज क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, उसको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता। अगर कोई दांत की मुक्का मारता है तो जनरली उसका मुक्का, उसका हाथ ही दिखेगा, उसके हाथ भी लगेगी, दांत नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि जो अपना टीथ है वो किससे बना होता है, इनेमल से बना होता है ना, उखड़ जाएगा जड़ों से लेकिन टूटेगा नहीं। किससे बना होता है, बना होता है, इनेमल क्या है, अपनी ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस अपन इनेमल को बोल सकते हैं, है ना। ये क्या, अपनी ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है कौन, इनेमल। ये क्या करता है, अपने फूड के मैस्टिकेशन को चबाने में हेल्प करता है, ठीक है। अपने ओरल कैविटी का के अंदर 2 पार्ट थे, टीथ एंड टंग। टीथ अपन पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट है अपना टंग। टंग क्या है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। मतलब कभी सुना ही होगा ना, जीभ क्या होती है, मस्कुलर होती है ना। तो जो टंग क्या है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, मतलब फ्रीली मूव कर सकती है, और ये कैसी क्या मस्कुलर होती है। अब आप सोचोगे ये किसी से अटैच होती है, हाँ अटैच होती है, किससे, जो ओरल कैविटी है अपना, जो माउथ है उसके अंदर, जो ओरल कैविटी है उसके अंदर ये फ्लोर से जुड़ी हुई होती है। किससे, और फ्लोर से किस चीज से जुड़ेगी, फ्रेनुलम से जुड़ेगी। मतलब जो चीज उसको जोड़े रखती है उसको बोलते हैं अपन क्या, फ्रेनुलम बोलते हैं, है ना। तो ये माउथ के अंदर ओरल कैविटी में फ्रेनुलम से के थ्रू, मतलब माउथ से जुड़ी हुई रहती है। जो अपर पार्ट होता है अपनी टंग का, उसके अंदर कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, अगर रफ रफ सर्फेसिस होती हैं, ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं ना, वो प्रोजेक्शन के अंदर क्या होते हैं, मेनली इन सारे प्रोजेक्शन के अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बड बहुत सारे होते हैं, सोर, स्पीड, बीटर, है ना,
इन सारे टेस्ट इसके लिए ही टेस्ट बट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके पर्टिकुलर लोकेशन होती है, जैसे कि मतलब जैसे कि ये टंग है तो इसके किसी पर्टिकुलर जो चार पार्ट हैं इनमें क्या होंगे, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट अलग इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि कौन सा सोर के लिए, कौन सा स्वीट के लिए है, कौन सा बीटर के लिए है, ऐसे करके, है ना। नेक्स्ट अपना ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल है, अपन ओरल कैविटी जो ओपन होती है वो किसके अंदर ओपन होती है, फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। फेरिंग्स जैसे कि अपनी ओरल कैविटी थी यहाँ की, ये फेरिंग्स में ओपन होती है। और जो फेरिंग्स है वो कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। जो अपने नाक से एयर अपन इनहेल करते हैं वो भी फेरिंग्स में जाती है, जो अपन फूड खाना खाते हैं वो भी किस में जाता है, फेरिंग्स में जाता है। फिर सोचोगे जाके जाता कहाँ है, वहीं थोड़ी रहता है, नहीं। फिर क्या होता है, जैसे ये अपना फेरिंग्स है, फिर इसके अंदर दो कैनाल बोल सकते हो आप या दो पाइप्स बोल सकते हो, एक होती है फूड पाइप और एक होता है ट्रेकिया, जिसको अपन विंड पाइप बोलते हैं। जो अपनी विंड पाइप होती है वो आगे होती है और जो फूड पाइप होती है वो पीछे होती है ना, ताकि ये कोलैप्स ना हो। तो अपने कभी क्वेश्चन आ जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अपनी जो फूड पाइप है वो पीछे की तरफ होती है और जो विंड पाइप है वो आगे होती है ना। जो ईसोफेगस है, मतलब जो अपनी फूड पाइप है, जो ट्रेकिया है, जो अपनी विंड पाइप है, वो भी फेरिंग्स में खुलती है। अब आप सोचो कि दोनों यही खुल रही है तो खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप में क्यों नहीं जाता। ये इसलिए नहीं जाता क्योंकि जो अपनी फूड पाइप है इसको अपन ग्लोटिस भी बोलते हैं, इसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लेप लगा होता है, इस कार्टिलेजिनस फ्लेप को बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। और ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जब अपन फूड को क्या कर रहे होते हैं, अंदर ले रहे होते हैं, तो क्या होता है कि ये इस विंड पाइप को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो विंड पाइप में एंटर नहीं करता और इसकी एंट्री फूड पाइप के अंदर हो जाती है ना। तो क्या समझ आया कि जो ओरल कैविटी है वो किसमें खुलती है, वो फेरिंग्स के अंदर खुलती है ना। और फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है किसके लिए, फूड और एयर के लिए, है ना। अब अपन डायग्राम देखते हैं। डायग्राम किस चीज का है, अपनी एलिमेंट्री कैनाल का है, उसके एसोसिएटेड पार्ट्स का है ना। जैसे कि ये अपना, ये अपनी ओरल कैविटी है, माउथ ये शो कर रखा है ना, माउथ। और किसके अंदर, माउथ के अंदर क्या है, ओरल कैविटी है। ये कहाँ खुला, फेरिंग्स में खुला। और ये पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है ना। सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड भी क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। फिर जो फेरिंग्स के बाद ये आ गई फूड पाइप अपनी, इसोफेगस है ना। इसोफेगस किसमें आगे खुलेगी, स्टमक में खुलेगी। स्टमक के बाद ये स्टमक यहाँ पे एंड हो जाता है, फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है उसका ड्यूडेनम, उसके बाद आता है जिजेनम एंड इलियम, है ना। मेरा फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कोलोन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन के ये सिकम में खुलता है, इलियम सिकम में खुलता है। और सिकम के बाद कौन आता है, कोलोन आता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और यहाँ पर सिग्मॉइड कोलोन भी होता है, ओके। उसके बाद जो कोलोन होता है वो रेक्टम में खुलता है, और रेक्टम की ओपनिंग कहाँ हो जाती है, एनस में हो जाती है। अपना जो सिकम है इसमें एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है या पार्ट बोल दो, जिसका अपने अंदर कोई रोल नहीं होता, वो कौन होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का वैसे रोल देखा जाए तो क्या होता है, अपेंडिक्स वो होती है वो जो अपना सेलुलोज होता है उसको डाइजेशन में हेल्प करती है। अपन सेलुलोज तो खाते ही नहीं है तो अपने अंदर इसका डाइजेशन भी नहीं होता, तो ये फिर अपने लिए क्या हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, जिसको मेनली ऑपरेशन के थ्रू अपने को निकलवाना भी पड़ जाता है लाइफ की कुछ स्टेजेस के अंदर, है ना। अब अपन इसोफेगस को आगे पढ़ते हैं कि इसोफेगस है क्या। इसोफेगस क्या है, लॉन्ग थिन ट्यूब है, लंबी ट्यूब है, या आप देख सकते हो कि ये लॉन्ग है, थिन है, पतली ट्यूब है, और ये एक्सटेंड करती है पोस्टीरियरली थ्रू नेक, थोरिक्स एंड डायफ्राम। डायफ्राम के बाद ये जे शेप्ड बैग में खुल जाती है, और वो जो अपना जे शेप्ड बैग अपन जिसको बोल रहे हैं वो कौन होता है, स्टमक होता है। मतलब अपना जो स्टमक है इसका शेप कैसा है, जे शेप्ड है ना। तो जो इसोफेगस है वो क्या हो गई, लॉन्ग हो गई, थिन हो गई, लॉन्ग थिन ट्यूब हो गई है ना, जो कि पोस्टीरियरली अपनी नेक, थोरेक्स और डायफ्राम के थ्रू जाते हुए जे शेप बैग में खुलती है, और उस जे शेप बैग को क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। जो अपनी इसोफेगस की ओपनिंग है वो किस में हो गई, स्टोमक में हो गई है ना। अब इसोफेगस स्टोमक में खुल रही है तो कुछ गार्ड तो हो गई ना उसके लिए, कि वरना तो स्टमक का कंटेंट वापस इसोफेगस में आ जाएगा अगर उल्टे लटके तो, नहीं आता, नहीं आता तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ गार्ड है। गार्ड क्या होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं, गेट्स होते हैं, क्या होते हैं, इसोफेजियल, गेस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया है ना। इसका नाम क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर होता है, क्योंकि जो इसोफेगस है वो अपना कंटेंट जाके कार्डियक पार्टीशन में, स्टमक की कार्डियक पार्टीशन में डालती है, इसलिए इसको अपन कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल देते हैं। अपना स्टमक का डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है ना। जैसे कि इसोफेगस थी, ये आई किस पार्ट में आई, कार्डियक पार्ट में, इसलिए जो स्फिंक्टर होता है गेस्ट्रो इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उसको अपन कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल देते हैं। ऊपर वाले पार्ट होता है फंडस, जो मेन पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी, और नीचे वाला पार्ट होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक पार्ट क्या होता है, ड्यूडेनम में खुल जाता है। ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है।
ठीक है, जो अपना स्टमक है उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ है, कहाँ ढूंढे अपनी बॉडी में स्टमक, स्टमक क्या है, जो अपर लेफ्ट पोर्शन है अब्डोमिनल कैविटी का, जो अपनी अब्डोमिनल कैविटी है उसके अपर लेफ्ट पोर्शन के अंदर क्या है, स्टमक है। स्टमक कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, चार पार्ट्स में, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरी। ये तो अपने को पता है कि जो कार्डियक पोर्शन है उसमें कौन खुला है, इसोफेगस खुली है, ये अपने अभी अभी पढ़ा है। फिर आगे अपना फंडस पार्ट जो कि ये ऊपर वाला पार्ट है, जो बॉडी है वो क्या है, मेन सेंट्रल रीजन है ना। जो पाइलोरी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूजनम में ओपन होने वाला पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अपना स्टोमक पढ़ लिया, स्टोमक के बाद क्या आएगा, अपना इंटेस्टाइन आएगा, है ना। इंटेस्टाइन आ गया अपना, तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या कहाँ से ओपनिंग होती है इंटेस्टाइन की, वो होती है शी शेप ड्यूडेनम के अंदर। मतलब जो ड्यूडेनम है उसका शेप कैसा है, शी शेप है। जो अपना स्टमक था उसका शेप कैसा था, जे शेप था, है ना, देखो जे शेप है ना। और जो अपना ड्यूडेनम है वो कैसा होता है, ऐसा सा कुछ है, तो इसका शेप कैसा हो गया, शी शेप हो गया। ये क्या होता है, लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन है, सॉरी जो शी शेप ड्यूडेनम है ये किस में खुलता है, लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन में खुलता है। और ये जो लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, जिजेनम बोलते हैं। ये जो जिजेनम है वो किस में खुलेगा, हाईली कोल्ड पोर्शन में खुलेगा, और उस हाईली कोल्ड पोर्शन को क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। तो इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हो गए, तीन पार्ट्स हो गए, कौन कौन, ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम, है ना। ड्यूडेनम के अंदर क्या हो गया, स्टोमक की ओपनिंग होती है शीशे पोर्शन के अंदर, है ना। फिर आ गया जिजेनम और फिर आ गया इलियम। अब अपने ये तो पढ़ लिया कि जो अपना ये है स्टमक है इसकी ओपनिंग किसके अंदर हुई थी, जो स्टमक है इसकी ओपनिंग हुई थी ड्यूडेनम में। तो ये ड्यूडेनम में ओपनिंग हुई तो इंटेस्टाइन का खाना भी स्टमक में नहीं जाता, है ना। जो इंटेस्टाइन में पार्ट आ गया, जो फूड पोर्ट मतलब पोर्शन आ गया, वो जो भी कंटेंट आ गया, वो ऐसे थोड़ी ना अपने उल्टे हो गए, जब अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी टांगे ऊपर हैं तो अपना इंटेस्टाइन का कंटेंट स्टमक में आ गया, नहीं होता ना। तो होता नहीं, तो उसके मतलब वहाँ पे बीच में वॉल प्रेजेंट है, स्फिंक्टर है, तो उस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। अब आप बोलोगे इसका नाम पाइलोरिक स्फिंक्टर कैसे हुआ, क्योंकि जो स्टमक का पोर्शन था ये था पाइलोरिक पोर्शन, ये खुला ड्यूडेनम के अंदर, तो ये कौन सा स्फिंक्टर हो गया, पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया। अब देखो जो इलियम है वो इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। अब इलियम किसमें खुलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुलेगा, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तीन पार्ट्स कौन कौन से होंगे, अगर आप बोलोगे क्या सब में तीन पार्ट है, कहाँ थे तीन, स्टमक में चार पार्ट थे, है ना, ऐसे भूल मत जाना, है ना। अब अपना है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। जो सीकम होता है इसके अंदर क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम की ओपनिंग होती है। ये स्मॉल ब्लाइंड शेप टाइप का था, आप बोलोगे इसे क्या बेग जैसा कुछ पहले सुना था, हाँ स्टमक को जे शेप बेग बोलते हैं, है ना। और सीकम क्या है, स्मॉल ब्लाइंड शेप है ना। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन से, ई कोलाई है। राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो पढ़ाई पे ध्यान दो, राइटिंग भी नहीं। तो अपना जो सीकम है वो क्या है, स्मॉल ब्लाइंड शेप है। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये होस्ट करता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ई कोलाई होते हैं। इसके अंदर एक वेस्टिजियल पार्ट होता है जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन कैसा दिखता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह दिखता है, उसको बोलते हैं अपन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, है ना। ये कहाँ से अराइज होता है, ये सीकम से अराइज होता है, मतलब सीकम से अराइज हो रहा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है और ये दिखता कैसा है, एक नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ओके। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना सीकम के बाद आता है कोलोन। कोलोन चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन, ओके। और जो कोलोन है वो रेक्टम के अंदर खुल जाता है। और रेक्टम के अंदर क्या होता है, अपना जो डिफिकेट मटेरियल होता है, जो अपने को डिफिकेट करना होता है, जो मतलब अनअब्जॉर्ब फूड बचता है जितना भी, वो कहाँ किस टूर जाता है, रेक्टम में हो जाता है। और जो रेक्टम की ओपनिंग होती है वो कहाँ से होती है, एनस के थ्रू होती है, ओके। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब अपने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी, इसके पार्ट्स पढ़े हैं, स्टमक पढ़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा है। तो अब अपन ये भी तो देखेंगे कि इनकी जो वॉल्स बनी होती है, जो इनकी दीवारें बनी होती है, वो किस चीज से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेट मी हैव सम वाटर। अभी अभी पढ़ा था ना, वॉटर अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, सो इट्स नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन। अब अपन चलते हैं वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं कि अपनी एलिमेंट्री जो कैनाल है इसकी कौन कौन सी वॉल्स हैं। तो अपनी एलिमेंट्री कैनाल की चार वॉल्स हैं, कौन कौन सी,
सीरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। मतलब अपनी टेलमेंट के नाल की चार लेयर्स होगी, कौन कौन सी, कितने चार, सीरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। जो अपनी सीरोसा है वो किस चीज से बनी होती है, थिन मेसोथेलियम से बनी होती है। इस थिन मेसोथेलियम के अंदर क्या होते हैं, कुछ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। मतलब जो अपनी आउटर मोस्ट लेयर है, जो एलिमेंट के नाल की आउटर मोस्ट लेयर है वो किसकी बनी होती है, थिन मेसोथेलियम की बनी होती है। इसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, इसको बोलते क्या है, सीरोसा बोलते हैं। अब आप बोलोगे मेसोथेलियम क्या है, मेसोथेलियम जो अपने विजरल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो अपने सेंसिटिव ऑर्गन्स है, विजरल ऑर्गन्स है, उनके जो एपिथेलियम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेसोथेलियम बोलते हैं। नेक्स्ट लेयर अपनी होती है मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है। स्मूथ मसल्स तो अरेंज होंगी, ये स्मूथ मसल्स की दो लेयर प्रेजेंट होती है इसमें, है ना। जो इनर लेयर होती है वो क्या होती है, सर्कुलर होती है, मतलब कुछ इस तरह से। जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्जिट्यूडनल होती है, तो वो इस तरह से हो गई, है ना। जैसे अपन वर्टिकुलर सेक्शन अपने एलिमेंट के नाल पर से काट के इस पोर्शन को देखते हैं ऐसे, तो इसके अंदर क्या होगी, जो इनर लेयर होगी वो क्या होगी, मस्कुलर, इसकी सर्कुलर होगी ऐसे, और जो आउटर लेयर होगी वो लॉन्जिट्यूडनल होगी। लॉन्जिट्यूडनल होगी तो अपने को ऐसे स्मॉल सर्कल्स में दिखाई देगी, है ना। तो इनर क्या होगी, सर्कुलर होगी, और आउटर क्या होगी, लॉन्जिट्यूडनल होगी। अब देखो कि क्या है, जो स्टमक के अंदर अपनी जो ये लेयर है मस्कुलेरिस, इसके अंदर कुछ ओब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है, ओब्लिक मसल्स। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में मस्कुलेरिस में ओब्लिक मसल्स प्रेजेंट है, तो किस में प्रेजेंट है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, ओके। और जो अपनी जो लॉन्जिट्यूडनल लेयर है, ये वाली जो लॉन्जिट्यूडनल लेयर है, इसके अंदर क्या होते हैं, टीनिया और फोस्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर टीनिया और फोस्ट्रा सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए प्रेजेंट होते हैं कुछ शेप्स, तो वो क्या किसके अंदर, कौन सी लेयर में होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल लेयर में होते हैं। मैंने मेनली एनसीईआरटी का कंटेंट कवर अप करने की कोशिश की, और मेरे को लगा कि कुछ कुछ थोड़ा बाहर का ऐड कर देना चाहिए, उन चीज़ों को भी मैंने ऐड किया है ना। और मेरे हैंडमेड नोट्स हैं तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी बुरी है, ओके। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं सब म्यूकोसा। तो अपनी कौन कौन सी लेयर होगी, सीरोसा हो गई, मस्कुलेरिस हो गई। नेक्स्ट अपनी तीसरी लेयर कौन सी है, म्यूकोसा, नहीं सब म्यूकोसा। म्यूकोसा कौन सी, इनर मोस्ट लेयर होती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा किससे बनी होगी, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी। फर्स्ट वाली किससे बनी थी, फर्स्ट वाली लेयर किससे बनी थी, मेसोथेलियम से बनी थी ना। सेकंड वाली किससे बनी थी, मसल से बनी थी, स्मूथ मसल से। और जो थर्ड वाली है सब म्यूकोसा किससे बनी है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इनके अंदर क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, ब्लड होता है, ओली वेसल्स होती हैं, है ना। क्या क्या प्रेजेंट है, ब्लड है, नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स है। वो मतलब जितना भी जो है ये लिक्विड विकेट जैसा भी होगा, नर्व्स वगैरह, ब्लड, लिम्फ, नर्व्स, ये सब किस में प्रेजेंट होगा, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होगा। अब ये सब इसमें प्रेजेंट है तो ये कॉम्पैक्ट पैकिंग तो इसकी होने से नहीं, तो ये किससे बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट वाला पार्ट होता है जिसमें स्टमक अपना कंटेंट डालता है, वो पार्ट कौन सा है, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो ग्लैंड कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है, सब म्यूकोसा में होती है। उस ग्लैंड को बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, ओके। ये म्यूकस का सिक्रीशन कराती है फूड के पास, मतलब सपोर्ट करने के लिए, इसको ना वो करने के लिए। म्यूकस का क्या काम होता है आपको भी पता है। तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड ये किसका सिक्रीशन कराती है, म्यूकस का कराती है, और बाइकार्बोनेट का भी करवा देती है पीएच मेंटेन करने के लिए, क्योंकि स्टमक का कंटेंट कैसा होता है, एसिडिक होता है, ऐसा कुछ, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, म्यूकस, म्यूकोसा। अपनी जो फोर्थ लेयर है वो कौन सी है, म्यूकोसा, म्यूकोसा, ओके। ये क्या है, इनमोस्ट लाइनिंग एलिमेंट के नाल की, ये तो मैं पिछले 5 मिनट से ये बोल रही हूँ, है ना। ये क्या बनाती है, इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है स्टमक के अंदर, मतलब ऐसे 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 फोल्ड बनाएगी। इनको क्या बोलते हैं, रूगी बोलते हैं। तो जो म्यूकोसा है वो क्या बनाती है, स्टमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड बनाती है। उस इरेगुलर फोल्ड को क्या बोलते हैं, अपन रूगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूगी बोलते हैं। और जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर ये क्या बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है, विलाई बोला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं, और जो इन विलाई को लाइन करने वाली जो सेल्स होती हैं, उनके अंदर क्या होती है, मेनी माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं। उन माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन को बोला जाता है माइक्रोविलाई। और ये जो माइक्रोविलाई है किसी अपीयरेंस देती है, ब्रश बोर्ड अपीयरेंस देती है। मतलब समझ लो अपना जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये रही है ना। अब जो ये विलाई है, मतलब स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन ने विलाई बोला ना, आपकी जो विलाई है इनके अंदर क्या है, छोटी छोटी वो क्या है, माइक्रो प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। इन माइक्रो प्रोजेक्शन को अपने बोल दिया माइक्रोविलाई, है ना।
और इसकी वजह से कैसी अपीयरेंस आ गई, ब्रश पाउडर जैसे आ गई ना, ब्रश का जैसा शेप बन गया इसका, है ना। इसका काम क्या होगा, ये क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाती है, मतलब जो ये ब्रश पाउडर अपीयरेंस आई है अपनी विलाई के अंदर, माइक्रो विलाई की प्रेजेंस से, उसको क्या किसने क्या किया है, सरफेस एरिया इंक्रीज करवाई है ताकि अब्जॉर्प्शन वो क्या हो, ज्यादा सफिशियंट हो सके, अपना इंटेस्टाइन ज्यादा कंटेंट को अब्जॉर्ब कर सके, है ना। जो विलाई होती है इनके अंदर कैपिलरी का नेटवर्क होता है और कुछ लिम्फ वेसल्स का होता है, उन लिम्फ वेसल्स के जो नेटवर्क होता है उसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रियल, मतलब अपनी जो ये विलाई है ऐसे इसके अंदर क्या होता है कैपिलरी का नेटवर्क होता है, कैपिलरी का और कुछ लिम्फ वेसल्स का भी होता है, वो जो लिम्फ वेसल्स का जो नेटवर्क होता है उसको तो बोल देते हैं अपन इलेक्ट्रियल, मतलब विलाई अब्जॉर्ब करा रही है तो वो ब्लड में डालेगी ना अपना अब्जॉर्ब कंटेंट ताकि वो टिश्यू तक जा सके, टिश्यूज को लेके अपनी एनर्जी के लिए यूज कर सके। तो जब ब्लड जो लेके जाएगी, अब ब्लड के अंदर ऐसे तो है नहीं कि यहाँ से उठाया और फिर वहां ब्लड में फेंक दिया, ये तो होता नहीं है। तो क्या होगी, जो विलाई अब्जॉर्ब करके अपना कंटेंट उसमें डालेगी, ब्लड में या लीफ में डालेगी, तो वो प्रेजेंट भी तो होनी चाहिए ना उसके लिए, इसलिए क्या प्रेजेंट होती है, कैपिलरी और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट अपना जो अपने पढ़ा है कि इंटेस्टाइन के जो लाइव लाइव स्ट्रक्चर है तो ये दिखती कैसी है, ये डायग्राम है, इसको देखो। क्या है, देखो ये रही विलाई, जो विलाई की सेल से जो विलाई को लाइन करे, इनके अंदर क्या होते हैं, माइक्रो प्रोजेक्शन होते हैं। माइक्रो प्रोजेक्शन को अपन ने क्या बोला था, माइक्रो विलाई बोला था, जो कि क्या करते हैं, ब्रश बोर्ड अपीयरेंस देके सरफेस एरिया इंक्रीज कराते हैं। फिर मैंने बताया उसमें कैपिलरी और इलेक्ट्रियल होते हैं, जो रेड कलर में आपको ये दिख रही है ये क्या है, कैपिलरी है, और जो येलो वाली दिख रही है वो क्या है, इलेक्ट्रियल है। इलेक्ट्रियल क्या है, लीफ वेसल्स की जो कैपिलरी, जो लीफ वेसल्स का जो नेटवर्क है उसको क्या बोला अपने, इलेक्ट्रियल बोला है। फिर क्या है, कैपिलरी है, कैपिलरी आके आर्टरी में खुलेगी, और जो ये है यहाँ पर जो विलाई का बेस होता है यहाँ पे क्रिप्ट बनती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अपन अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, और ये वेन होती है नीचे, डायग्राम देख लेना क्योंकि अपने एग्जाम में क्या होता है डायग्राम बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब अपन ने देखा है कि अपने एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स देखी है चारों वॉल्स, हाँ ये तो देखे है ना अपना कि जो विलाई वगैरह है ये क्या है ना, जो म्यूकोसा होती है वो कुछ ग्लैंड्स बनाती है, वो म्यूकोसा ने कौन सी ग्लैंड बनाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है, स्टमक के अंदर जो अपना गैस्ट्रिक एचसीएल वगैरह सिक्रीशन करवाती है। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है कौन सी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है, म्यूकोसा में होती है। और जो यहाँ पे अपनी विलाई के बेस पे ये जो क्रिप्ट देखी है, क्रिप्ट, ये क्रिप्ट ऑफ लिवर क्यों है इसे बोलते हैं, ये क्रिप्ट कहाँ बनी है, विलाई के बेस पे बनी है, कौन सी लेयर से बनी है, म्यूकोसा से बनी है, किस पे बनी है, इंटेस्टाइन में बनी है। आउटर मोस्ट लेयर थी सीरोसा, कोई ग्लैंड नहीं थी। उसके बाद आई मैस्कुलरिस, मैस्कुलरिस में क्या था कि वो लेयर वेयर थी है ना, और उनकी इनर सर्कुलर होती है और आउटर लॉन्जिट्यूडनल होती है। फिर आई थी अपनी सबम्यूकोसा, उसके बाद आई अपनी म्यूकोसा, है ना। तो म्यूकोसा के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, और मस्कुलरिस के अंदर क्या प्रेजेंट था, ओब्लिक मसल्स प्रेजेंट थी स्टमक के अंदर, है ना, ये सब था। और जो वो अपनी वो भी तो थी ना ड्यूडेनम वाली ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, है ना, वो किसमें प्रेजेंट थी, सबम्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट थी, है ना। अब अपन पढ़ते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड तीन ग्लैंड होते हैं, है ना, कौन कौन सी ग्लैंड है, सलाइवरी, लीवर और पैनक्रियास। अपने डाइजेशन में तीन ही ग्लैंड हेल्प करती है, कौन कौन सी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो कि अपने माउथ पोर्शन में प्रेजेंट होती है, वो तीन होती है, कौन कौन सी, पैरोटिड, पैरोटिड कहाँ प्रेजेंट होती है, अपनी चिकी पोर्शन में प्रेजेंट होती है, चिक्स में होती है, इसकी डक को बोलते हैं स्टिंचन्स डक। और दूसरी वाली होती है अपनी सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर, वो कहाँ होती है, लोअर जो में प्रेजेंट होती है ना, इसकी डक को बोलते हैं वाटसन्स डक। तीसरी होती है अपनी सबलिंगुअल, लिंगुअल से नाम पता चल रहा है अपनी की जीभ के नीचे ही होगी, है ना, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो द टंग, इसकी डक को बोलते हैं रैंगिनस और या फिर बार्थोलिन डक। तो अपनी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर तीन, कितनी ग्लैंड हो गई, तीन ग्लैंड हो गई, कौन कौन सी, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी या फिर सबमैंडिबुलर बोल दो, और सब लिंगुअल। पैरोटिड चिक में प्रेजेंट होती है, सबमैक्सिलरी जो होती है अपनी लोअर जॉ में होती है, और जो सब लिंगुअल है वो अपनी टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरी वाली अपनी ग्लैंड है लीवर, और लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड अपनी ह्यूमन बॉडी की, है ना, इसका वेट होता है 1.2 से 1.5 kg। ये सिचुएटेड कहाँ होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के जस्ट नीचे सिचुएटेड होती है ना। और इसके अंदर दो लोब्स होते हैं जिनको अपन हिपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। ये जो हिपेटिक लोब्यूल्स क्या है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है अपनी लीवर की,
है ना, इन लोबियस के अंदर क्या होती है, हिपेटिक सेल्स होगी जो कि कोर्ड्स की फॉर्म में अरेंज होती है। किस फॉर्म में? कोर्ड्स की फॉर्म में। क्या थे? लोब सेल। उनको अपन ने क्या बोला था? हिपेटिक लोब्यूल्स बोला था। हिपेटिक लोब्यूल्स क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट अपने लीवर का। और इसके अंदर जो हिपेटिक लोब्यूल की जो सेल्स होती है वो किस फॉर्म में अरेंज होती है? कोर्ड्स की फॉर्म में अरेंज होती है, है ना। अब जो हिपेटिक लोब्यूल है ऐसे तो है नहीं कि खुले पड़े हैं, इनके अंदर क्या होती है? कवरिंग होती है। वो कवरिंग किसकी होती है? थिन कनेक्टिव टिश्यू की होती है। और उस थिन कनेक्टिव जो टिश्यू शीट की इनकी कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? विसन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और है ना, अपने जो लीवर है वो अपना सिक्रीशन डालता है, किसमें डालता है? हिपेटिक डक्ट में डालेगा ना, लीवर है तो हिपेटिक डक्ट के अंदर डालेगा अपना सिक्रीशन, है ना। अब देखो जो हिपेटिक सेल्स होती हैं, जो लीवर वाली सेल्स हैं, वो क्या करती हैं? बाइल को सिक्रीट करती हैं। जो बाइल सिक्रीट हुआ, ऐसे तो है नहीं कि सारा का सारा बाइल ही आ गया इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में आके निकल गया, है ना, नहीं। कुछ जो बाइल होता है वो स्टोर होता है किसके अंदर? थिन मस्कुलर बैग के अंदर होता है। तो इसलिए थिन मस्कुलर बैग क्या है? गॉल ब्लैडर है। ये जो थिन मस्कुलर बैग है, गॉल ब्लैडर है, ये इसकी जो डक्ट होती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। जो अपने लीवर से डक्ट आ रही थी उसको बोला था हिपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट मिलके, जैसे कि यहाँ पर ये आ गई अपनी डक्ट फ्रॉम लीवर, हिपेटिक डक्ट हो गई, ये से आ गई सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से, ये डक्ट दोनों आके मिलके कौन सी डक्ट बनाएगी? कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी। क्या बनाया? कॉमन बाइल डक्ट बनाया, है ना। ये अपना गॉल ब्लैडर है, डायग्राम देखो, गॉल ब्लैडर है ये डक्ट फ्रॉम द लीवर जिसको अपने सिस्टिक डक्ट बोला है, ये डक्ट फ्रॉम द लीवर जिसको अपने हिपेटिक डक्ट बोला है, और ये क्या है? कॉमन बाइल डक्ट है, ओके। ये क्या है? अपने पैनक्रियाज है, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये ड्यूडेनम है, और ये हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये क्या है मैं भी बताऊंगी आपको, है ना। तो लीवर समझ में आ गया। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड अपनी बॉडी की। इसका वेट है 1.2 से 1.5 केजी। ये सिचुएटेड है अब्डोमिनल कैविटी के अंदर, डायफ्राम के जस्ट बिलो, है ना। इसके अंदर दो लोब्स होती हैं जिनको अपन हिपेटिक लोब्यूल्स बोला है, और जो हिपेटिक लोब्यूल्स है वो क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसकी? लीवर की। जो हिपेटिक सेल्स है वो कोड की फॉर्म में अरेंज होती है। जो हिपेटिक लोब्यूल्स है उनके थिन कनेक्टिव टिश्यू की क्या होती है? कवरिंग होती है। उसको अपन क्या बोला है? विसन्स कैप्सूल बोला है, है ना। और जो हिपेटिक सेल्स ने जो बाइल सिक्रीट किया था, वो बाइल सिक्रीट वो कि कहाँ स्टोर हुआ था? गॉल ब्लैडर में हुआ था। गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या बोला था? सिस्टिक डक्ट बोला था। लीवर की डक्ट को क्या बोला था? हिपेटिक डक्ट बोला था। उन दोनों डक्ट में मिलकर क्या बनाई थी? कॉमन बाइल डक्ट बनाई थी, है ना। हो गया यहाँ तक। अपनी कितनी थी? तीन ग्लैंड थी ना, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास। तो सलाइवरी ग्लैंड और लीवर अपने पढ़ लिया, अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं पैनक्रियास। जो पैनक्रियास वो क्या है? कंपाउंड है। अब बोलोगे कंपाउंड क्या थे, बाकी सब सिंपल थे क्या? अरे नहीं, कंपाउंड है मतलब इसके दो तरह के सिक्रीशन होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब ये डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के अंदर अपना सिक्रीशन डालती है, हॉर्मोन सिक्रीट करती है मतलब, और एक्सोक्राइन मतलब एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करती है, है ना। तो है ना, अब देखो जो सिक्रीशन है ये वो पढ़ते हैं कैसे है। तो ये जो पैनक्रियास है, पहले ये क्या होता है? शीशेप होता है, सॉरी ये शीशे ड्यूडेनम के बीच में होता है। जैसे अपना ये ड्यूडेनम ऐसे था, है ना, यहाँ पे स्टेपनम था और यहाँ पे बाद में जीजेनम आ जाता। तो ये जो शीशे पे ड्यूडेनम था, यहाँ पे पैनक्रियास जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, है ना। इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है, मैंने बताया था जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या करेगा? एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, और ये कहाँ डालता है? ड्यूडेनम में अपना सिक्रीशन डालता है, है ना। जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या सिक्रीट करता है? हॉर्मोन सिक्रीट करता है जैसे कि इंसुलिनो ग्लूकागोन, है ना। अब देखो जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही थी अपने लीवर से, वो क्या करती है? जो इधर पैनक्रियाटिक डक्ट जो कि पैनक्रियास से आ गया, उन दोनों के साथ ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। क्या बनाती है? HPD, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। ये हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुलती है? ये अपने ड्यूडेनम में खुलती है। अब आप बता रहे हो कि यदि ये खुल रही है तो इस पे कोई पक्का गार्ड लगा होगा। उस गार्ड का क्या नाम है? स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, ODII, ODII जो भी बोलते हैं इसको, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई हो गया, है ना। अब क्या है, जो अपना जो लीवर था, लीवर के कुछ सिक्रीशंस होते हैं जिसके अंदर वो कुछ पिगमेंट्स को सिक्रीट करता है, है ना। बाइल के अंदर क्या होते हैं? कुछ पिगमेंट होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीरुबिन। जो बिलीरुबिन और बिलीरुबिन है इनके कलर होते हैं। जो बिलीरुबिन होता है वो होता है ग्रीन कलर का, और जो बिलीरुबिन होता है ये होता है येलो कलर, है ना। अब अपन ने क्या पढ़ लिया? एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ली, उसके अंदर कौन कौन से बीच में पार्ट्स आते हैं वो पढ़ लिए, कौन कौन से पार्ट का मतलब क्या रोल रहेगा वो पढ़ लिया, है ना।
उनकी कवरिंग पढ़ ली। अब अपन क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड। मेनली डाइजेशन में क्या पढ़ना होता है अपने को, खाने का डाइजेशन पढ़ना होता है। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या, खाने का डाइजेशन, कि हम जो अभी अभी खा के आए हैं मैस से, या फिर जो घर पे मम्मी ने बनाया है वो हमने अभी खाया है, तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा, है ना। तो अपन पढ़ते हैं डाइजेशन। बीच में मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने डाइजेशन के प्रोसेस को। ओके, तो डाइजेशन फूड का वो कैसे होता है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड से होता है। ये मैंने आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया कि जो कंपाउंड फूड है इसको सिंपल अब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ये जो डाइजेशन है ये कैसा है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड है, है ना। ये जो अपना डाइजेशन है ये किस में होता है, बकल कैविटी में होता है, या जो अपनी ओरल कैविटी है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। पूरा तो पूरा यही नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ इसकी स्टार्टिंग होती है, कि मतलब यहाँ पर ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया, है ना। इसमें क्या होता है, जो अपन ने मस्टिकेट किया फूड को, दांतों से चबाया, फिर उसको जीभ के थ्रू अपन मिला दिया, है ना। ये नेचुरल प्रोसेस ऐसे नहीं कि अपन करते हैं अब चबा रहे हैं अब मिला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेसेस होती है, है ना। फिर क्या होता है, और बकल कैविटी में क्या होता है, स्वेलोविंग भी फैसिलिट होती है फूड की, मतलब जो अपन फूड को अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं स्वेलो करना, और इसका फैसिलेशन भी किसके अंदर होता है, बकल कैविटी में होता है। इसके अंदर जो टीथ और टंग होते हैं ये सलाइवा की वजह से फूड को मेस्टिकेट कर देते हैं। जो अपनी तीन ग्लैंड्स थी, कौन कौन सी तीन ग्लैंड्स थी ना, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी और पैरोटिड ग्लैंड, इनका जो सिक्रीशन हुआ था वो क्या था, सलाइवा था, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड है तो सलाइवा सिक्रीट करेंगी। ये सलाइवा को टीथ और टंग फूड के साथ क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, इसको मेस्टिकेट कर देते हैं। अब जो म्यूकस था ना, सलाइवा के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, वो म्यूकस क्या करता है, खाने को अधेर और लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है मेस्टिकेशन के टाइम में, है ना। अब जो अपना खाना हो गया अधेर लुब्रिकेट हो गया मेस्टिकेट हो गया, उसको अपन ने क्या बोल दिया, बोलस बोल दिया। ये बोलस इसोफेगस में जाता है, स्वेलो कर लेते हैं अपन, है ना। और जो इसोफेगस में चला गया, स्वेलोविंग हो गई, इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, डीग्लूटिशन भी बोल देते हैं, है ना। ये जो बोलस है, मतलब जो अपने खाना भी मुंह से अंदर स्वेलो किया है, डीग्लूटेड किया है, ये क्या होता है, फर्दर पास होता है इसोफेगस में, किससे होता है, इसोफेगस में ऐसे ऐसे मूवमेंट होते रहते हैं। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ये मेरे को बड़ा फनी लगता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है इसमें, है ना। ये मूवमेंट कौन सा है, पेरिस्टाल्सिस हो गया, है ना। जो सलाइवा है इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, जैसे कि तो करंट मारते हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन और सॉरी क्लोराइड आयन, सोडियम आयन पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट, है ना। और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सलाइवी अमाइलेज और लाइसोजाइम्स, है ना। सलाइवी जो अमाइलेज है वो क्या करता है, अपने जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको माउथ में इनिशिएट करा देता है। कैसे, जो सलाइवरी अमाइलेज है इसका जो एक्शन होता है, इसका काम होता है, वो कैसा होता है, हाइड्रोलाइटिक होता है। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टार्च अपन ने खाया है, उसके क्या करा देता है, तोड़ देता है, उसको स्प्लिट कर देता है ना। इसका हाइड्रोलाइटिक एक्शन कार्बोनेट पे होता है ना, तो ये क्या हो गया, स्प्लिट करवा देता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, कौन, सलाइवरी अमाइलेज। तो मतलब अपन ने जो जितना भी स्टार्च खाया है उसका अप्रोक्सीमेटली 30% स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, अपने माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, है ना। जो अपने माउथ की ऑप्टिमम पीएच होती है वो थोड़ी सी एसिडिक होती है, कितनी होती है, 6.8, याद रखना कितनी होती है, 6.8 होती है। अब आप बोलोगे कि चलो सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन तो काम आता है, ये लाइसोजाइम का काम क्या है, ये जो लाइसोजाइम है ये एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करते हैं, एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह ही काम करते हैं। कैसे, ये मुंह में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह काम कर रहा है ये। अभी अगर एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह काम कर रहा है तो ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया वगैरह आएंगे उनको क्या कर देगा, किल कर देगा। अब बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रहा है तो क्या हो गया, एंटी बैक्टीरियल हो गया ना। ओके, अब अपन पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट डाइजेशन के अंदर, मतलब नेक्स्ट पार्ट नहीं, आगे बढ़ते हैं डाइजेशन में। मुंह के अंदर ही थोड़ा ना करना है सारा डाइजेशन, बाकी भी एलिमेंट्री कैनाल बच्ची है वहां भी कुछ ना कुछ डाइजेशन होगा, है ना। अब आप देखो, जो अपना स्टार्च था या फिर कार्बोहाइड्रेट जिसको अपन बोल सकते हैं, है ना, डोंट फोकस ऑन माय राइटिंग। ओके, जो अपना कार्बोहाइड्रेट था इसका डाइजेशन हुआ था किसके अंदर हुआ था, जो अपना स्टार्च होता है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, है ना। इसको करवा कौन रहा था, सलाइवरी अमाइलेज, है ना। कितनी पीएच पे करा रहा था, 6.8 पे, ठीक है। कितना परसेंट हो गया था स्टार्च का डाइजेशन,
30% हो गया था, है ना। माई आईज आर स्विचिंग बिकॉज ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट। ओके, तो अपन पढ़ते हैं ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड? रेस्ट्री ग्लैंड्स। मतलब कि अपना जो डाइजेशन चल रहा था ये कहाँ कहाँ हो गया था? मुंह के अंदर डाइजेशन हो गया, फिर इसोफेगस में आएगा। इसोफेगस जो एलिमेंट, मतलब जो इसोफेगस है, यहाँ पर जो पोर्शन, उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। इसोफेगस आके स्टमक, जो अपना जे शेप्ड बैग था, उसके अंदर खुलती है, वहां पर डाइजेशन होता है, है ना। अब वो डाइजेशन होगा तो क्या होगी? कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, कुछ सिक्रीशन होगा, तभी तो स्टमक में कुछ डाइजेशन हो पाएगा। तो देखते हो क्या होता है कि जो स्टमक के अंदर एक होती है म्यूकस नेक सेल्स। क्या होती है? म्यूकस नेक सेल्स होती है। ये क्या कराती है? म्यूकस का सिक्रीशन कराती है। नाम से पता चला है म्यूकस नेक सेल्स हम क्या कराएंगी? म्यूकस का सिक्रीशन कराएंगी। एक होती है पेप्टिक और चीप सेल्स, ये क्या कराती है? प्रो एंजाइम का सिक्रीशन कराती है, यानी पेप्सिनोजन का कराती है। प्रो एंजाइम का मतलब है कि जो पेप्सिनोजन है किस फॉर्म में है? इन एक्टिव फॉर्म है, मतलब अपने को इसकी एक्टिव, इसको एक्टिव करवाने की जरूरत पड़ने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि पेप्सिनोजन डाला और इसने काम कर दिया, ये प्रो एंजाइम है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है ना। तो म्यूकस नेक सेल ने क्या सीक्रेट कराया? म्यूकस। पेप्टिक और जो चीप सेल होती है उसने क्या सीक्रेट कराया है? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। फिर होती है पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स, ये क्या कराती है? HCL का सिक्रीशन कराती है। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का कराती है। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल होता है। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है वो तो क्या करता है? B12 का सिंथेसिस ही करवा देता है। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये इसका कुछ अमाउंट में एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो जो म्यूकस नेक सेल थी उन्होंने क्या सिक्रीट कर दिया? म्यूकस सिक्रीट कर दिया। जो पेप्टिक और चीफ सेल थी उन्होंने प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रीट कर दिया। अब जो पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स है वो क्या करा देंगी? HCL का सिक्रीशन करा देंगी। और ऐसे मिलकर अपना क्या बन जाता है? गैसीय जूस बन जाता है स्टमक वाला। स्टमक अपने अंदर खाने को 4 से 5 घंटे तक रखता है। मतलब अपने को तो जैसे लगता है ना खाने के आधे घंटे बाद ही भूख लग जाती है, वो अपन रिसेप्शन होते हैं, क्योंकि 4 से 5 घंटे तक तो पेट के अंदर खाना ऑलरेडी है, प्रेजेंट है उसके अंदर। 4 से 5 घंटे तक खाना स्टमक के अंदर स्टोर रहता है ना। जैसे जो फूड होता है वो एसिडिक, मतलब जो मीडियम HCL तो एसिडिक ही हो गया ना, तो जो गैस्ट्रिक जूस हो गया वो कैसा हो गया? एसिडिक। तो जो अपना खाना था, जो बोलस आया था माउथ के थ्रू, वो क्या होता है? एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ क्या होता है? अच्छे से मिक्स हो जाता है। किसके थ्रू मिक्स होता है? चर्निंग मूवमेंट के थ्रू। मतलब जो अपना स्टमक था इसकी जो वॉल्स होती है वो क्या करती है? चर्निंग मूवमेंट करती है। और वो चर्निंग मूवमेंट के थ्रू की वजह से क्या होता है? खाना अच्छे से गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हो जाता है। और ये जो मिक्स हुआ जो ऑल ओवर सिस्टम लास्ट में जो बनता है इसको अपन क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं, कि हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस काइम है। क्या बोलते हैं इसको? काइम बोलते हैं, है ना। माउथ में ये क्या था? ये बोलस था। स्टमक में या कि ये क्या बन गया? काइम बन गया, काइम। ओके, अब जो पेप्सिनोजन था प्रो एंजाइम HCL की प्रेजेंस में, और HCL प्रेजेंट है तो pH कितनी होगी अपने स्टमक की? 1.8। अपने माउथ की pH कितनी थी? 6.8। और अपने स्टमक की pH कितनी है? 1.8, है ना, याद रखना। ओके, तो HCL की वजह से pH कितनी है? 1.8। जो अपना प्रो एंजाइम था पेप्सिनोजन था वो HCL की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन होते हैं जैसे मिल्क प्रोटीन वगैरह हो गए, वो पेप्सिन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। और जो रेनिन होता है ये चाइल्ड्स के अंदर पाया जाता है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है इन्फेंट्स में, बच्चों में, ताकि उनकी जो मिल्क उन्होंने लिया है, जो मदर्स मिल्क वो लेते हैं, उसका क्या हो जाए? डाइजेशन हो जाए, है ना। अब देखो जो म्यूकस और बाइकार्बो ने जो सिक्रीट हुए थे अपने अंदर, है ना, म्यूकस नेक सेल जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, उनका काम क्या होता है? कुछ काम है तभी तो सिक्रीट हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना अपन भी चलते हैं, है ना, देख रहे हैं डाइजेशन में क्या चल रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या है? जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट है ये क्या करते हैं? जो अपनी म्यूकस की जो म्यूकोसल एपिथीलियम होती है, जो म्यूकोसा वाली एपिथीलियम है अपनी स्टमक की, उसको HCL से बचाते हैं, क्योंकि HCL है वही 1.8 pH है इसकी, कितना एसिडिक है, जला डालेगा ये तो, है ना, अपने खाने के साथ साथ अपनी म्यूकस है ना वो भी डाइजेस्ट हो जाएगी, तो उसको प्रिवेंट करते हैं उसको डैमेज होने से। कौन? म्यूकस और बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है अपना बाइल सिक्रीशन, जो अपना बाइल सिक्रीशन जो अपनी लीवर से आ रहा था वो, प्लस अपना पैनक्रियाटिक जूस, प्लस अपना इंटेस्टाइनल जूस, ये क्या होते हैं? तीनों के तीनों इंटेस्टाइन में निकलते हैं, क्योंकि ये दो निकलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू किस में आते हैं? ड्यूडेनम में आते हैं। और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन तो वैसे भी इंटेस्टाइन में होता है ना, तो ये तीनों सिक्रीशन मतलब फाइनली कहाँ आते हैं?
आते हैं, क्या आते कहाँ हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, है ना। अभी कुछ जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। इनका काम क्या होता है, ये पहले तो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है कुछ, तो वो क्या होंगे, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, फिर ये इनएक्टिव से, जब ये इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आते हैं, उसके बाद ये जो अपना फूड है उसके ऊपर काम करते हैं, स्टार्च वगैरह का डाइजेशन करवाते हैं, जो प्रोटीन वगैरह का डाइजेस्ट होकर जो प्रोटीनज आए थे उसका डाइजेशन कराते हैं वगैरह, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना। देखो कैसे करते हैं, देखते हैं। जो ट्रिप्सिनोजन है वो एंटेरोकाइनेज नामक एक एंजाइम आता है, कहाँ से आता है ये एंजाइम, इंटेस्टाइन की सिक्रीशन से आता है ये, तो ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये ट्रिप्सिन फिर अब फर्दर जो अपने 60 to 70% जो स्टार्च अपने मुंह से बच के आ गया था अनडाइजेस्टेड, उसको क्या कराता है, डाइजेस्ट करवाता है, है ना। दूसरा अपना बाइल, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन के बाद में कौन सा था, बाइल सिक्रीशन था। बाइल के अंदर क्या होता है, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कौन सा, बिलीरुबिन और बिलीवर्दिन, है ना, ये मैंने आपको बताया था, इनकी कलर भी बताए थे, याद है ना। कुछ क्या होते हैं, बाइल सोर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं कुछ, बट कोई भी एंजाइम सिक्रीशन नहीं कराता, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, नो एंजाइम, ये चीज याद रखना कि बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होगा, है ना। ये जो बाइल है ये इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, मतलब जो बाइल है वो फैट्स का इमल्सिफिकेशन कराता है, ये जो लाइपेज है उसको एक्टिवेट करता है। बाइल का काम कितना है, फैट्स का इमल्सिफिकेशन करवाना, उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना, तोड़ देना, और लाइपेज होता है जो फैट का फर्दर डाइजेशन कराता है, उसको अंदर क्या करता है, ये उसको एक्टिवेट करवाता है। नेक्स्ट अपना इंटेस्टाइनल मुकोसा, जो इंटेस्टाइनल मुकोसा है ये क्या सिक्रीट करेगी, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती है, उस इंटेस्टाइनल जूस को, जो इंटेस्टाइनल जूस आया है उसको बोलते हैं सकस एंटेरिकस, क्या बोलते हैं, सकस एंटेरिकस बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसमें डाइसेकेराइड्स होते हैं, जैसे कि माल्टेज वगैरह, जो माल्टोज वगैरह को डाइजेस्ट करा सके, कुछ डाइपेप्टाइड्स होते हैं, डाइपेप्टाइडेजेस होते हैं जो डाइपेप्टाइड्स को डाइजेस्ट कराते हैं, लाइपेजेस होते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। जो अपना इंटेस्टाइनल की पीएच कितनी होती है, 7.8। अब देखो जो अपना माउथ था उसकी पीएच थी 6.8 थी ना, जो अपना स्टमक था इसकी पीएच थी 1.8, और जो अपना इंटेस्टाइन है इसकी पीएच कितनी है, 7.8, 1.8, 7.8, लास्ट में कितनी होगी, क्या 8.8, याद आ जाएगा। अब देखो जो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीजेस, ये जो अपने स्टमक के अंदर प्रोटीन थे वो कुछ पेप्टोन्स और प्रोटीजेस में कन्वर्ट हो गए थे, कुछ प्रोटीन्स एजीटीज कहाँ गए, इंटेस्टाइन में आ गए। अब जो अपने पैनक्रियास से सिक्रीशन हुए थे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये इस पे काम करते हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो कुछ पॉलीसेकेराइड्स यानी स्टार्च, ये क्या हुआ था, अपने माउथ में 30% स्टार्च का क्या हो गया था, डाइजेशन हो गया था, लेकिन फिर भी 60 to 70% स्टार्च बच गया था ना, उसका डाइजेशन पैनक्रियास से सिक्रीट हुआ था, अमाइलेज करवाता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइसेकेराइड्स में कर देता है। कुछ जो फैट्स होते हैं उनको लाइपेज उनके ऊपर एक्ट करता है और मोनो और डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। कुछ जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनको न्यूक्लियस, उनके ऊपर कौन काम करता है, न्यूक्लियस काम करता है और किस में कन्वर्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड्स में होता है। मतलब प्रोटीन, प्रोटीजेस, पेप्टोज का डाइजेशन हो रहा है, स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हो रहा है और फैट्स का डाइजेशन हो रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये पैनक्रियाटिक जूस की वजह से हो रहा है ना, और किस में हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है ना। मतलब जो मेन डाइजेशन की साइट है वो कौन है, इंटेस्टाइन है। जो मेनली डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में ही होता है ना। अब देखो नेक्स्ट अपने किस में इंटेस्टाइन में सिक्रीशन होगा, किसकी वजह से, पैनक्रियाटिक जूस की वजह से। अब जो सकस एंटेरिकस सिक्रीट हुआ था इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, वो क्या कराता है, वो डाइपेप्टाइड्स होते हैं, डाइपेप्टाइडेज काम करके उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जो माल्टोज होता है उसमें माल्टेज काम करके उसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ना। जो लैक्टोज होता है उस पर लैक्टेज काम करता है और ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रोज उस पर सुक्रेज काम करता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन पर न्यूक्लियोटाइडेज काम करता है और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लियोसाइड्स पे न्यूक्लियोसाइडेज काम करता है और सुगर प्लस बेसिस में कन्वर्ट कर देता है। जो डाई और मोनोग्लिसराइड्स थे ना अपने यहाँ पे जो बने थे उन पर लाइपेज काम करता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कर देता है। मतलब ये जो जितना भी डाइजेशन हुआ था मेनली ये कहाँ हो रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। पहले किस क्या हुआ, जो प्रोटीन प्रोटीजेस पेप्टोज थे उनको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया है ना, उन डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइडेज अमाइनो एसिड में कर देता है। जो स्टार्च था उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया,
पैंक्रियाटिक जूस में, फिर माल्टेज जो इंटेस्टाइन का सिक्रीशन है वो क्या करता है, उसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कर देता है। ऐसे ही लैक्टोज को लैक्टेज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कर देता है। ऐसे ही सुक्रोज का हो जाता है ना, ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो गए थे, अब उनको न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइड्स में, और न्यूक्लियोसाइटेज उसको शुगर प्लस बेसिस में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे जो डाई और मोनोग्लिसराइड्स है उनको लाइपेज फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है ना। अब जो मैक्सिमम डाइजेशन वो कहाँ हुआ, इंटेस्टाइन में हुआ। जो अपना अब्जॉर्प्शन होता है वो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जिजेनम में होता है। कहाँ हुआ है मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, जिजेनम में हुआ है। अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन, आप लोग ये पहले ही बैठे रहते हैं, ये कुछ नहीं करता है, नहीं करते ना, इसका अब्जॉर्प्शन होता है। ये कुछ कुछ अब्जॉर्प्शन कहता है किसका, पानी का, कुछ मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का। मतलब पानी, कुछ मिनरल्स और कुछ ड्रग्स किस में अब्जॉर्ब होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। किस में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये क्या करता है, म्यूकस का सिक्रीशन कराता है। मतलब जो वेस्ट था उसको क्या करता है, अधेर करता है ये म्यूकस, ताकि इसका जो डिफिकेशन है वो इजीली हो सके, है ना। अब क्या हुआ, कुछ अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस था, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन फिकस बोलते हैं, है ना। उस अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस को अपन फिकस बोलते हैं। ये जो फिकस है ये सिकम में एंटर करता है इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू, बाद में कोलोन में जाता है और फिर रेक्टम में चला जाता है ना। जो एक्टिविटीज होती है ना गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये अपना जो डाइजेशन वगैरह है, ये क्या होती है, न्यूरल और हार्मोनल दोनों के कंट्रोल में होती है। मतलब न्यूरॉन्स भी इसको कंट्रोल करते हैं, अपने न्यूरल कंट्रोल के अंदर भी आती है ये, हार्मोनल कंट्रोल के अंदर भी आती है। न्यूरल कंट्रोल में कौन कौन इसका कराता है डाइजेशन, मतलब कंट्रोल कौन कौन करता है इसका, वो अपना लोकल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों ही करते हैं। और जो लोकल हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, गेस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल को समय प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो हार्मोनल कंट्रोल किसकी वजह से हो रहा है, ऐसे तो है नहीं कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिक्रीट हो कि आ रहे हैं, या फिर पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो नहीं जो है, मतलब हाइपोथैलेमस या फिर ग्लैंड सिक्रीट होकर आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना। लोकल हॉर्मोन्स होते हैं यही सिक्रीट हो जाते हैं, ऐसे तो नहीं कि पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस से आए यही सिक्रीट हो, कहाँ से होते हैं, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ये सिक्रीट होते हैं, है ना। जो गैस्ट्रिक है ग्लैंड्स हैं वो क्या करती है, सिक्रीट करती है, क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है। कुछ गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को कंट्रोल करने वाले कॉमन हार्मोन्स पड़ रहे हैं, जैसे कि गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन क्या करता है, जो गैस्ट्रिक जूस है जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा सिक्रीट कराती है, उसको क्या करता है, उसके सिक्रीशन करवाता है ये। सोमेटोस्टेटिन है, सोमेटोस्टेटिन एचसीएल के रिलीज को स्टॉप करता है। जो सिक्रीटिन है वो बाइकार्बोनेट सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, और जो कोलेसिस्टोकाइनिन है वो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करवाता है, है ना। ये कुछ कॉमन हॉर्मोन्स है चार, जो क्या कराते हैं, अपने गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं या उनको अफेक्ट करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कि मतलब पर्टिकुलर अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट या किसी भी चीज को बर्न करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को कहा जाता है क्या, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी होती है ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू 4.1, फैट्स की होती है 9.45 और प्रोटीन की होती है 5.65। और फिजियोलॉजिकल वैल्यू है कि जो अपने अंदर जो रिलीज हो रही है, एक्चुअली जो फिजियोलॉजिकल जो इसका इंपॉर्टेंस है वो कितनी है, कार्बोहाइड्रेट की 4 है, प्रोटीन्स की 4 है, और फैट की कितनी है, 9 है। मतलब फैट की ज़्यादा होती है क्या फिजियोलॉजिकल वैल्यू, और ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होती है, फैट की ज़्यादा होती है, है ना। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, कि मतलब डाइजेशन तो हो गया, अब उन डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स का हो क्या रहा है, क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। तो अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, किस किस चीज का, कौन कौन से पार्ट में अब्जॉर्प्शन होगा, और कैसे के इम्पैक्ट होते हैं वो पढ़ते हैं, है ना। जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है और सोडियम है, इनका अब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्टिव होता है। कैसे, कि जो सोडियम है वो क्या, इसका क्या होता है, एक्टिव अब्जॉर्प्शन है। जो क्लोरीन है, जहां ये आ गया वहां पर क्या होता है, पैसिव अब्जॉर्प्शन होता है। और जहां पे ये सिर्फ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है वहां का अब्जॉर्प्शन कैसा होता है, फैसिलिटेटेड होता है। मतलब ग्लूकोज अमाइनो एसिड के साथ सोडियम है तो अब्जॉर्प्शन कैसा हुआ, एक्टिव हुआ। अगर उनके साथ क्लोरीन है तो कैसा हुआ, अब्जॉर्प्शन पैसिव हुआ। और अगर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड दोनों अकेले हैं तो उनका अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, फैसिलिटेटेड होता है। मतलब प्रोटीन्स की हेल्प से तो होता है, बट क्या होता है, उसके अंदर एटीपी की जरूरत यानी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। एक्टिव के अंदर क्या होता है, एटीपी की जरूरत पड़ती है, है ना। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। तो आप बोलोगे इनसोल्यूबल हैं तो वो तो मेम्ब्रेन क्रॉस ही नहीं कर पाते, तो उनका अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, है ना।
ये पढ़ते हैं। इससे पहले अपन देखते हैं कि जो पानी है, पानी H2O, वो कैसे अब्जॉर्ब होता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर इसका डिपेंड करता है अब्जॉर्प्शन, मतलब इसका किसी भी चीज से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से इम्पैक्ट पड़ता है कि मतलब जिधर का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ज्यादा है पानी का मूवमेंट उधर हो जाता है। ठीक है, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। इनका अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, देखो इनको तोड़ तोड़ के, जैसे कि जो बाइल जूस था वो क्या कर रहा था, अपनी जो फैटी एसिड थे या फिर जो वो थे ग्लिसरॉल वगैरह, उनको क्या कर रहा था, छोटे पार्ट्स में तोड़ रहा था, है ना। और उसको क्या बोला था अपन, फिर मोनो डाइग्लिसरेड में कन्वर्ट हो रही थे वो दोनों, किसकी वजह से, लाइपेज की वजह से, फैटी एसिड लाइपेज की वजह से मोनो डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रहे थे। और उसके बाद लाइपेज उनको क्या कर देता है, और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। वो जो छोटे पार्टिकल्स थे, जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स थी, उनको बोला गया था मिसेल। क्या बोला गया था, मिसेल। जो ये मिसेल होती है, माइसेल या मिसेल जो भी बोलते हैं इसे, ये जो मिसेल होती है वो क्या करती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है ना। फिर ये जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जो ये अब्जॉर्ब हो गई, इसके ऊपर क्या जाती है, प्रोटीन की कवरिंग आ जाती है। मतलब ये प्रोटीन कोटेड फैट मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, फैट के ऊपर किसकी कोटिंग आ गई, प्रोटीन की आ गई। और इनको क्या बोल दिया, फिर स्ट्रक्चर जो बनी है, प्रोटीन कोटेड जो स्ट्रक्चर बनी, इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। ये जो काइलोमाइक्रोन्स होती है, ये जो लीन फेसल्स होती है ना विलाई के अंदर, उसके अंदर चली जाती है ना। मतलब जो लेक्टियल थी, लीन फेसल जिसको अपन लेक्टियल बोल रहे थे, मतलब विलाई के अंदर प्रेजेंट लीन फेसल को अपन ने लेक्टियल कहा था, और ये जो काइलोमाइक्रोन्स है ये उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। फिर ये लीन फेसल उनको ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देती है। तो इस तरह से अपने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का भी क्या हो जाता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है ना। मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना, जिजेनम पार्ट में होता है मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन। देखो जो अपना माउथ था, यहाँ अपन देख रहे हैं कौन कौन से पार्ट के अंदर किसकी चीज का अब्जॉर्प्शन हुआ। जो माउथ था उसके अंदर कुछ ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन होता है, कुछ ड्रग्स होती है ना दवाइयाँ जिनको अपन जीभ के नीचे रखते हैं, है ना। तो क्या होता है, कुछ ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन होता है किसमें, ब्लड कैपिलरीज में, मतलब कि जो म्यूकोसा होती है माउथ की या फिर जो टंग की लोअर साइड होती है उसकी जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनके अंदर उन ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन हो जाता है ना। स्टमक के अंदर क्या होता है, पानी, सिंपल सुगर्स और अल्कोहल का होता है ना। किस किस का अब्जॉर्प्शन हुआ, पानी का हो गया, सिंपल सुगर्स का हो गया, और किसका, अल्कोहल का हो गया। इन तीन चीजों का अब्जॉर्प्शन किस में होता है, स्टमक में होता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किसका अब्जॉर्प्शन होगा, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है, तो जो जितना कुछ होगा सारा लगभग इसी के अंदर होगा, है ना। डाइजेशन कंप्लीट होता है यहीं पे, है ना। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, ये सब क्या होते हैं, कहाँ अब्जॉर्ब होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे, क्योंकि बाकी किसी पार्ट में अब्जॉर्ब नहीं हो रहे। और इनको अब्जॉर्ब करके या तो ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है, और जैसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है इनको पहले लिम्फ में डाल दिया जाता है, लिम्फ वेसल लेक्टियल में, है ना। फिर अपन देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किन किन चीजों का अब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्प्शन होता है पानी का, कुछ मिनरल्स का और ड्रग्स का। किस किस का हो रहा है, वाटर का, कुछ मिनरल्स का और ड्रग्स का अब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। माउथ के अंदर किस किस का अब्जॉर्प्शन हो रहा था, कुछ ड्रग्स का हो रहा था। किसके थ्रू हो रहा था, माउथ की म्यूकोसा या फिर लोअर पार्ट ऑफ टंग के अंदर इनका अब्जॉर्प्शन हो रहा था, डायरेक्ट इनको ब्लड कैपिलरी के अंदर डाल दिया जा रहा था, है ना। अब जो अब्जॉर्ब सब्सटेंस है उनको क्या करता है, टिश्यू के पास जाते हैं, वो ब्लड में चले गए, अब्जॉर्ब हुए ब्लड में चले गए। ब्लड किसके पास लेके जाएगा, उनको टिश्यू के पास लेके जाएगा, और टिश्यू के अंदर ये क्या होते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन बोला जाता है ना। डिफिकेशन है वो वॉलंटरी प्रोसेस होती है, मतलब जो अपनी फिकस था उसको जो डिफिकेट करने की प्रोसेस है, उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस है एनएस के थ्रू, वो जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वॉलेंट्री प्रोसेस होती है। और ये किससे कंट्रोल होती है, फिर किससे कैरी होती है, मास पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट से होती है। जो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता है ना अपने म्यूकोसा के अंदर, उसके थ्रू क्या होता है, इसका कैरी होता है, मतलब उसकी वजह से ये होती है एक तरह से, है ना। प्रोसेस वॉलेंट्री प्रोसेस है, मतलब अपने कंट्रोल में है ना। ओके, एंड नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अपना जो लास्ट पार्ट है, वो लगभग आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स, कि क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, है ना। जैसे कि जॉन्डिस होता है, जब अपना लीवर इफेक्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो अपनी स्किन है, जो अपनी आईज है, वो सब क्या हो जाती है, येलो हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो बिलीरुबिन है उसका अमाउंट होता है वो अपनी बॉडी के स्किन पार्ट में या फिर यहाँ पर डिपॉजिट होने लग जाता है स्किन के अपर लेयर में, तो उसकी वजह से अपनी स्किन है, आईज है, ये सब येलो होने लग जाती है। किसकी वजह से होता है, कब होता है, जब अपना लीवर अफेक्टेड हो, है ना। वोमिटिंग, वोमिटिंग क्या होता है, जो स्टमक का कंटेंट है वो माउथ के थ्रू बाहर आ जाना, उसको क्या बोलते हैं, वोमिटिंग बोलते हैं। ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, और ये रिफ्लेक्स एक्शन किससे कंट्रोल होता है,
अपना जो मेडुला है ना, मेडुला ओब्लॉगेंटा, उससे कंट्रोल होता है। मतलब मेडुला ओब्लॉगेंटा के अंदर एक वॉमिटिंग सेंटर है जो क्या कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। और वो रिफ्लेक्स एक्शन क्या कराता है, वॉमिटिंग करवाता है ना। वॉमिटिंग से पहले अपने को फीलिंग ऑफ नोजी आती है, अपना जी घबराता है ना, और उसके बाद क्या होती है, वॉमिटिंग हो जाती है ना। एक ये तो एक्सपीरियंस किया ही होगा ना। कंस्टिपेशन, नेक्स्ट स्टेप ना कंस्टिपेशन। इसमें क्या होते हैं, जो फीसेज होते हैं उनको अपन डिफिकेट नहीं कर पाते, वो क्या हो जाते हैं, बॉडी के अंदर रिटेन रहते हैं। कहाँ रिटेन रहते हैं, कोलोन में होते हैं। कोलोन से तो ये कहाँ जाते हैं, फिर रेक्टम में जाते हैं, और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। बट ये रह कहाँ रहे हैं, कोलोन में ही रह रहे हैं। ये चीज़ याद रखना, कहाँ रह रहे हैं, कोलोन में रह रहे हैं ना। ये किस वजह से होते हैं, इरेगुलर बाउल मूवमेंट की वजह से होते हैं। बाउल मूवमेंट क्या है, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट ही बाउल मूवमेंट है। ये जब इरेगुलर हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ना। नेक्स्ट है अपना इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है, कई बार क्या होता है, अपने को भूख नहीं लगती, या फिर ऐसे फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है कि बिल्कुल भी भूख नहीं है, पेट बराबर है, तो उस टाइम क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है। इम्प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो अपना फूड अपने लिया था वो क्या था, इम्प्रॉपर डाइजेस्ट हुआ था। तो वो जो इम्प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड है वही क्या कराता है, अपने को फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है कि अपना पेट भरा हुआ है, अपने को भूख नहीं है, है ना। इस ये किस वजह से हो सकता है कि मतलब इनडाइजेशन तो जनरली होता रहता है, किस वजह से हो सकता है, या तो अपनी बॉडी में जो एंजाइम्स है वो क्या है, इनएडिक्वेट है, मतलब प्रॉपर नहीं है या कम है, है ना। या फिर जो सिक्रीशंस हो रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के, वो प्रॉपर नहीं है, या फिर एंजाइटी होती है ना, या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जो अपने खाना खाया वो हेल्दी कम है, या अपन ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर अपने ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, तो इन सब की वजह से अपने को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है जनरली, है ना। ये अपने थे डिसऑर्डर्स। अब अपन पढ़ते हैं कि जो कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, वो डेफिशिएंसीज कैसे हैं। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, ये क्या है कि प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से जो न्यूट्रिशन होता है, ये जनरली अपनी कंट्री के अंदर तो कोई काफ़ी ज़्यादा, मतलब नॉर्मली देखा जाए तो जो हिडन हंगर होता है, हिडन हंगर में क्या होता है, जो मेनली क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर एसेंशियल विटामिंस वगैरह होते हैं, उनकी कमी हो जाती है। और ये जनरली मैक्सिमम पॉपुलेशन में पाया जाता है ना। अब अपन कुछ दो तरह की देखते हैं डेफिशिएंसी या प्रोटीन और एनर्जी की वजह से। एक है मेरेस्मस। मेरेस्मस में क्या होता है, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की ही डेफिशिएंसी होती है, मतलब प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी है और कैलोरी यानी एनर्जी की डेफिशिएंसी है। ये जनरली इन्फेंट्स में होता है, जनरली इन्फेंट्स में ही होता है ये, जो एक साल से कम के होते हैं। मतलब जो एक साल से कम का बच्चा है, उसको ना ही तो प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है, उसको ना ही प्रॉपर एनर्जी मिल रही है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मेरेस्मस हो जाएगा। ना जो उसकी हालत होगी उसको अपन क्या बोल देंगे, मेरेस्मस बोल देंगे। इसमें क्या होता है, इम्पेयर ग्रोथ हो जाती है, उसकी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, बॉडी के जो टिश्यूज है वो अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाते, स्किन ड्राई ड्राई हो जाती है, बॉडी पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिन हो जाती है, और वो जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडी होती है वो एक्सट्रीमली वीक हो जाती है। अब सोचो आप, जो एक साल से कम का बच्चा है, उसको ना ही तो अच्छे से प्रोटीन मिला है, ना ही अच्छे से एनर्जी मिली है, तो ऑब्वियस है कि उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, उसकी जो टिश्यू रिपेयरमेंट है, उसकी जो बॉडी की ग्रोथ है, वो सब क्या होगी, अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो क्या हो जाएगा, उसकी स्किन जो बॉडी है वो ड्राई ड्राई हो जाएगी, रिंकल्स पड़ जाएंगे, स्किन पतली पड़ जाएगी, और जो बॉडी है एक्सट्रीम वीक हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं क्वेशियोकोर। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, मतलब उस बच्चे को कैलरी तो अच्छे से मिल रही है, क्या हो रहा है, कैलरी तो अच्छे से मिल रही है, बट कमी किस चीज़ की है, प्रोटीन की है। तो क्वेशियोकोर में क्या हो रहा है, प्रोटीन डिफिशियंसी हो रही है। ये एक साल से कम, मतलब सॉरी, एक साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में होती है। जनरली क्या होता है, जब बच्चा एक साल से ज़्यादा का हो जाता है, तो उसका जो मदर्स मिल्क है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है डाइट से। डाइट में क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट तो देते हैं कम, और एनर्जी कंटेंट दे दिया ज़्यादा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एनर्जी डिफिशियंसी तो नहीं होगी, बट उस बच्चे में क्या हो जाएगी, प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाएगी, है ना। इसमें क्या हो जाती है, जो मसल्स होती हैं उनकी वेस्टिंग हो जाती है, जो लिम्स हैं, जो बॉडी के हाथ पाँव हैं, उनकी क्या हो जाती है, थिनिंग हो जाती है, वो बहुत पतले हो जाते हैं, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्रोटीन की कमी है। तो ना तो उसके अच्छे से ग्रोथ तो पाएगी, ना उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कैलोरी अच्छे से मिल रही है, उसकी वजह से इसकी स्किन के नीचे कुछ फैट्स अभी भी डिपॉजिटेड होगा, है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सटेंसिव ओइडिमा हो जाता है। अब प्रोटीन की तो कमी है, एनर्जी अच्छे से मिल रही है, तो उस बच्चे की बॉडी क्या हो जाती है, सूज जाती है थोड़ी, है ना, मतलब ओइडिमा हो जाता है और बॉडी स्वेलिंग हो जाती है, है ना, मतलब उसमें कमी है, बट वो कमी कुछ कुछ पार्ट्स को अफेक्ट करती है, कुछ कुछ को नहीं, जनरली सबको ही करती है, क्योंकि उसमें ग्रोथ और ब्रेन का डेवलपमेंट दोनों अफेक्ट हो रहा है। तो क्वेशियोकोर में तो क्या है, सिर्फ प्रोटीन की कमी है। मेरेस्मस में क्या है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी है ना। तो यहीं पे अपना चैप्टर होता है कंप्लीट, और
अच्छे से पढ़ना, पूरी क्लास लेने के लिए थैंक यू, और अब अपना एक थॉट जो अपन हर क्लास के बाद देते हैं, है ना, यू कैन एंड यू शुड एंड इफ यू आर ब्रेव इनफ टू स्टार्ट यू विल, आपको करना चाहिए, आप कर सकते हैं, और अगर आप में इतनी ताकत है कि आपने स्टार्ट कर दिया तो आप उस एग्जाम तक पहुंच भी सकते हैं, है ना. सो नेवर लूज होप्स, है ना. चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, नॉलेज मेट्रो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.